हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कि किस तरह से आप मेथी को माइक्रोवेव में सुखा सकते हैं, और ऐसे कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जिससे जो आपकी मेथी है बिल्कुल हरी रहेगी, ग्रीन कलर की रहेगी, इसका जो कलर है बिल्कुल चेंज नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ले ली है मैंने मेथी और इसको इस तरह से तोड़ लिया है, और बस अब हम इसे एक माइक्रोवेव सेफ बोल में डाल देंगे। यदि आपके पास इस तरह का बोल नहीं है तो आप माइक्रोवेव की जो कांच की प्लेट होती है आप डायरेक्ट उस पर रख के भी इसको सुखा सकते हैं। तो चलिए इस चलते हैं अब माइक्रोवेव की तरफ। तो ये रहा हमारा माइक्रोवेव। तो अब हम इसे इसमें रखेंगे मेथी को और इसका टाइम सेट करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं जो कांच का बोल है इसको रख देती हूँ, उसके बाद अब हम इसका टाइम सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका मोड सेट कर लेते हैं, तो माइक्रोवेव का माइक्रो मोड, और मेरे माइक्रोवेव में हाई पावर 900 है। आपके माइक्रोवेव का जो सबसे हाई पावर है आप उसको सेट करिएगा। और 5 मिनट का टाइम सेट कर देते हैं और स्टार्ट की बटन को ऑन कर देते हैं। 5 मिनट में जो हमारी मेथी है वो अच्छी तरह से सूखना स्टार्ट हो जाएगी। जब तक हमारी मेथी सूखती है, यदि आप चैनल पर न्यू हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल की जो बटन होती है इसको ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के संग भी इसे शेयर करिएगा। तो जैसे ही 5 मिनट हो जाते हैं हम मेथी को एक बार से चला देंगे, जिससे कि वो पूरी अच्छी तरह से इवनली तरीके से कुक होगी और सूखेगी। तो देखिए 5 मिनट्स हो चुके हैं। बेल जो घंटी होती है इसकी जो बीप की आवाज़ आती है वो सुनाई देने लगी है। तो चलिए मैं इसे निकाल के एक बार से चला देती हूँ। तो ये देखिए 5 मिनट होने के बाद हमें इसे इस तरह से एक बार चला देना है, और अब हम इसे फिर से इसको एक बार से और कुक करेंगे। तो मैं इसको डोर बंद कर देती हूँ और फिर से इसका सेट कर देते हैं मोड एंड टाइम। तो इसका फिर से हमें सेट करना है माइक्रोवेव का माइक्रो मोड, और टाइम सेट करना है 3 मिनट्स का। तो ये 3 मिनट्स का मैंने टाइम सेट कर दी, स्टार्ट के बटन को ऑन करना है, और बस हमारी जो 3 मिनट्स के बाद जो हमारी मेथी है बिल्कुल सूख के तैयार हो जाती है। मतलब इसे टोटल 8 मिनट लगते हैं, लेकिन यदि आपकी मेथी ज़्यादा है, पूरा बोल भर के है, तो आपको 2-3 मिनट एक्स्ट्रा और लगेंगे, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए 3 मिनट्स हो चुके हैं और हमारी जो मेथी है बिल्कुल सूख चुकी है। तो मैं आपको इसे निकाल के भी दिखा देती हूँ, और इसका आप साउंड भी सुनिएगा कितनी अच्छी तरह से ये बिल्कुल कुरकुरी तरीके से बिल्कुल क्रश होने वाली, अच्छे से बिल्कुल सूख चुकी है कि आप इसे बिल्कुल साल भर भी स्टोर करेंगे तो इसका कुछ नहीं होगा। तो आप इसे देखिए किस तरह से इसका साउंड आ रहा है। तो आप इसे या तो इसी तरह से रख सकते हैं, या इस तरह से क्रश करके भी स्टोर करके रख सकते हैं। और आप इसका कलर देखिए, इस तरह से यदि आप मेथी को माइक्रोवेव में सुखाएंगे तो इसका कलर भी बिल्कुल डार्क या ब्लैक नहीं होगा, बिल्कुल हरी रहेगी। और इसका जो खुशबू आती है वो मार्केट वाली कसूरी मेथी से बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। इस तरह से यदि आपके पास माइक्रोवेव है तो उसमें मेथी को सुखा के देखिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है इसका। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे। तो आप ये देख लीजिए। तो चलती हूँ मैं, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।